दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो है अपने आप की जो स्थिरता, अपने आप की जो टाइम मैनेजमेंट है उसको कैसे हम जान सके। हम हमेशा इंटरनेट पर आते हैं, अपने समय व्यतीत करते हैं, अपने समय को जब व्यतीत करते हैं तो हमें लगता है कि हमें समय समय अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। हम अपने टाइम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन आप इस तरह के एक ऐसी दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में पहुँच गए हैं कि जहाँ पर टाइम पता ही नहीं चलता कि कैसे ज़्यादा जल्द से जल्दी वो गुजर जाता है। तो उससे क्या होता है कि हम कुछ ऐसे सीरीज देखते रहते हैं, या कुछ शोज देख देते हैं, या कुछ चैटिंग कर लेते हैं, इससे हमारा समय बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो जाता है और वो चला जाता है। उसके बाद हमें उसका रिग्रेट होता है कि क्यों अपने आप के जो समय है में हम उसको दुरुपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, और उसका उसका नतीजा भी वो हमें भुगतना पड़ता है कि आप अपने लक्ष्य से वो उसको रुकावट बन जाता है और धीरे धीरे आपको आपके लिए बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। तो पहले आप अपने आप के एक सोच को बदल देना चाहिए कि आप अपने आप को समय को दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ भी काम हो उस आपकी भलाई के लिए होता है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को आगे बढ़ना के लिए देखो तो आप अपने आप की टाइम से ज़्यादा आप कार्य के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि काम ही एक चीज़ है जो कि आपको सबसे ज़्यादा बेहतर कर सकता है। आप अपने काम के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतने ज़्यादा आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपने आपकी पैशन को फॉलो कीजिए, ना कि आप कोई भी चीज़ को बाध्यतामूलक करते हैं। क्योंकि आप अगर पैशन को फॉलो किया तो आप कुछ भी काम कर रहे हो उस पैशन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आपके पैशन, आप जिसके ऊपर ज़्यादा आकर्षित हो, जो इस काम के ऊपर, उसको ढूंढने की प्रचेष्टा कीजिए। अगर आप इस स्थिति में हो कि जो स्थिति में आप निकल के, अगर आप कुछ ऐसे जॉब में हो जिसको आप निकल के आपके पैशन को नहीं फॉलो कर सकते, उस जॉब में कुछ इंटरेस्टिंग सा सोचिए। जैसे कि आपकी जो काम है उसमें थोड़ी सी नयापन लाने की सोचिए, एक नया एंगल उसको देना चाहिए। बहुत सारे लोग जाते हैं 9 से 5 बजे तक काम ही करते हैं, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि अभी कुछ इंटरेस्टिंग सा उस काम में डालिए, आपके माइंड के थिंकिंग प्रोसेस को बदलना सीखिए। क्योंकि रूल्स हमेशा लोग ही बनाते हैं। 10 से 5 जॉब हो या कुछ भी हो, वो हमेशा हमारे जैसे आदमी ही बनाते हैं, और रूल होते ही हैं तोड़ने के लिए। मैं इसको गलत तरीके से नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि रूल्स आप खुद तय करते हो कि आपकी लाइफ में कैसे आप जियोगे, कैसे आप मरोगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कि रूल आप खुद आपके लाइफ के रूल बनाना चाहते हो, तो आप खुद सोच कर देखो कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि कुछ उस चीज़ को पाने के इतने हकदार नहीं है, लेकिन उन्हें मिल जाता है क्योंकि उनको पहले से ही उस चीज़ मिला चुका है, या उनकी लक उसको साथ देती थी। तो आपको क्यों नहीं देती, क्योंकि आप उसको सोचते ही नहीं, आपको ये कठिन लगता है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगी, बहुत सारे चीज़ जितनी ज़्यादा सहज है, वो दुनिया में बहुत बड़े उदे के लोग जितनी सहजता से वहाँ पर बैठे हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो अपने लोग जो उसके नीचे स्तर के हैं या साधारण से लोग वहाँ पर पहुँच नहीं सकते, क्योंकि हमें लगता है कि वो स्तर में पहुँचना बहुत ज़्यादा कठिन है। हालाँकि कठिन हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपकी जो उसका रिजल्ट जो मिलेगा उस कठिनाई के पार करने के बाद, वो जो सुकून, वो जो चैलेंजेस फेस करके जाओगे, तो आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट जो होगी, आपको वो ज़िंदगी भर एक मोटिवेशनल, एक अंदर से एक फीलिंग आएगा कि हाँ मैं ये कर चुका हूँ। और लाइफ में जीना है तो इसी तरह ही जियो ना, क्यों आप छोटी छोटी चीज़ को लेकर बैठ जाते हो। लाइफ में हमें चैलेंजेस ही बड़े होने चाहिए, और उसको काम करने की जो प्रक्रिया है बड़े होना चाहिए। अगर बड़ी चैलेंजेस होगी तो आपको उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, और आप उसके ऊपर काम करोगे, और इस फोर्स प्रोसेस से आप एक अलग ही तरह तरीके की शक्ति आपके अंदर महसूस करके एक अलग पर्सनैलिटी आपके ऊपर निखर के आएगी। तो प्लीज़ क्रिएट फॉर योर न्यू चैलेंजेस। आप अपने आप को एक चैलेंजेस दीजिए, और आप हमेशा बड़े बड़े ओहदे को पाने के लिए, या कि बड़े बड़े चीज़ को कर जाने के लिए आपका माइंडसेट खड़ा कीजिए। क्योंकि हम जितने ज़्यादा आगे जाएंगे, हमारा पावर भी उतने ज़्यादा बढ़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।